हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम आज बात करने वाले अडानी विलमार से लेकर। यहां पर अगर हम देखें इस शेयर की जर्नी तो आपको पता चलेगा एक बेहतरीन पैसा इस पर्टिकुलर शेयर ने, जैसे आईपीओ आया था उसके बाद थोड़ा सा गिरा और उसके बाद एक जो जर्नी इसने तय करी लगभग पैसे को डबल से ज्यादा यहाँ पर तीन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दो या तीन गुना यहाँ पर करता हुआ नजर आया था। तो अच्छा खासा पैसा, उसके बाद गिरावट और कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। उस चार्ट पैटर्न की का डिस्कशन तो हम करेंगे, बट कहाँ करेंगे हम बात करेंगे उसकी जहाँ हमारी यहाँ पर चार्ट आपको बताऊंगा ना, बट यहाँ पर जो हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है 1 तारीख को, उस चार्ट के बेसिस पे उस चार्ट की पूरी खुल के बातें यहाँ पर होने वाली है। ओके, जिसमें हम स्टॉक पिकिंग, रिसर्च, टेक्निकल एनालिसिस सब चीज करने वाले हैं, फीस की डिटेल्स बहुत कम मार्केट से बहुत कम तो एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। सारी की सारी स्टॉक मार्केट की डिटेल्स जो हम पढ़ाने वाले हैं सिलेबस, वो यहाँ पर आप कंफर्म कर लीजिए। 6 मंथ की हैंड होल्डिंग भी है, यहाँ पर आप कांटेक्ट करिए, ऊपर जो नंबर दे रखे है कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप करिए, आपको सब चीज पता चलेगी। तो हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, अडानी विलमार से रिलेटेड पढ़ेंगे क्यों, क्या नजर आता है ये शेयर के रिलेटेड, अब डिस्कशन क्यों किया जा रहा है, क्या यहाँ पर अच्छा पैसा बनेगा या नहीं, वो हम बातें करने वाले हैं। बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन पे हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, दूसरे वीडियोस को जाके देखिए, 2 वीडियो आज की डेट में यहाँ पर डाल दिया गया है। अब बात करते हैं अडानी विलमार, अडानी विलमार करता क्या है। अडानी विलमार एक FMCG यहाँ पर शेयर है। अगर इनके बिजनेस जैसे अडानी विलमार, आपने यहाँ पर फॉर्च्यून के प्रोडक्ट्स यूज करे हैं जिसमें हम आपने ऑयल यूज किया है, ओके, एज वेल एज अगर हम बात करें आपने इनकी पल्सेस यूज करी है, इनके दाल, आटे, बहुत सारी चीजें हैं जो ये बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एडिबल ऑयल, स्पेशलिटी फैट्स, लॉरिक रेंज, एज वेल एज वनस्पति ये बनाते हुए नजर आते हैं। तो ये सारे के सारे आपने इनके प्रोडक्ट्स यूज करे होंगे, यहाँ पर आपने फॉर्च्यून के प्रोडक्ट यूज करे होंगे। सोप में अलाइव के नाम से प्रोडक्ट्स आते हैं, हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर में अलाइव के नाम से आते हैं, राइस ये देते हुए नजर आते हैं, पल्सिस देते हुए नजर आते हैं, सोया चंक्स इनका है, बेसन एंड सत्तू ये देते हुए नजर आते हैं, खिचड़ी, 5 मिनट सोया चंक्स, यहाँ पर पल्सिस, पोहा, तो ये सारे मतलब पूरा FMCG में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सब चीज देते हुए नजर आते हैं। इनकी वेबसाइट ये है, जितनी भी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, KTV हेल्थ फूड्स से रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आर बिजनेसेस वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हुए नजर आते हैं, सब चीज यहाँ पर पूरा दे रखा है। हम जानते भी हैं, हम इनके प्रोडक्ट्स यूज भी करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट है। तो हम बात करते हैं इस कंपनी की, तो आपको पता चलेगी कंपनी का जॉइंट वेंचर 1999 में शुरू हुआ था बिटवीन द अडानी ग्रुप, ओके, इसके अलावा बात करें विच इज अ मल्टीनेशनल डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो, ट्रांसपोर्टेशन और अलग अलग यहाँ पर इनके कंपनीज है, हम जानते हैं इन कॉन्ग्लोमेंट है, पेरेंट एंटिटीज की बात की जाए, एडिबल ऑयल में लगभग 65% रेवेन्यू आता है इनका, पैकेजिंग एंड FMCG जो फूड्स होते हैं में है उसमें उनका 11% का, जैसे कि आटा हो गया या दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए। इंडस्ट्री बात करें इंडस्ट्री एंड एसेंशियल से 25% रेवेन्यू है इनका, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 22 प्लांट है इनके 10 स्टेट में और 10 क्रशिंग यूनिट्स है, 19 रिफाइनरीज है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं इनके और धीरे धीरे ये बढ़ाते जा रहे हैं, ये पुराना डेटा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा खासा है कंपनी का और एक्सपोर्ट भी करते हुए नजर आते हैं, वहां से लगभग 7.5% का यहाँ पर रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है, आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था इनका, आपको पता ही है। तो कंपनी की डिटेल्स की बात करें, कंपनी में यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा है, इसके अलावा बहुत कुछ और जानने के लिए यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर्स की रिपोर्ट है, इसके अलावा आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट दे रखा है, इसे जाके पढ़ लीजिए कौन कौन से रिलेटेड, आपको और चीजें नजर आएगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड, तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखिए, लार्ज कैप कंपनी है, 91,445 करोड़ रुपए की कंपनी है, 52 का पीई यहाँ पर इंडस्ट्री का है और यहाँ पर बात करें 113 का पीई यहाँ पर इसका पीई है। तो अच्छे स्टॉक्स आपको हमेशा महंगे नजर आएंगे, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, आप सोचेंगे इन्हें कम प्राइस पे ले, बहुत रेयर होगा जब मार्केट में कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ हो तब आपको ये सस्ते मिल जाए, तब कह नहीं सकते, तो तब एक अपॉर्चुनिटी रहती है। ROE काफी बेहतरीन, डेट की बात करें 36% का डेट है, प्लेजिंग की बात करें किसी भी तरीके की यहाँ पर प्लेजिंग नहीं है और यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का पिछले 5 साल में 29% और 17% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ हुआ है। और कंपनी के बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी 878 का आई लगा के नीचे गिरती हुई नजर आई थी, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के CAGR की, तो 29% का CAGR है पिछले 5 साल में, एक बेहतरीन यहाँ पर कंपनी यहाँ पर नजर आती है।
मार्केट कैप के हिसाब से इनके कंपैरिजन किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से आरओसी ही देख लीजिए, कंपनी का काफी कुछ अच्छा नजर आता है। ईयरली बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस अगर हम यहाँ पर नापते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस हाईएस्ट एवर सेल्स पिछले दो क्वार्टर में इनकी आती हुई दिखाई दी है। प्रॉफिट की बात करें हाईएस्ट एवर आता हुआ दिखाई दे रहा है तीन चार क्वार्टर से। नेट प्रॉफिट देख लीजिए वो भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर है, बट इस बार का प्रॉफिट थोड़ा सा डल आता हुआ दिखाई दिया था। वो किसकी वजह से? वो यहाँ पर कंपनी के शायद एक्सपेंसेस यहाँ पर ज्यादा होते हुए दिखाई दिए, उस वजह से थोड़ी सी सेल्स भी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई थी उस वजह से, और तो यहाँ पर ये सब चीज दिखाई दिया है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी का ईयरली क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस अच्छा है, क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा फ्लैट है, बट ये ऊपर नीचे चलता रहता है वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और जिस तरीके से एफएमसीजी सेक्टर अभी चलता हुआ नजर आ रहा है ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे। सेल्स की बात करें कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, कंपनी का ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, बोरिंग कम होती ही नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए वर्किंग प्रोग्रेस में लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास है, और यहाँ पर बात करें कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी 450 करोड़ रुपए के आसपास है, और कैश की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 4,500 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। तो कंपनी कैश रिच है। ओके, कंपनी के रिजर्व्स कैश सबसे अच्छे है, बोरिंग कम हो रही है, वर्किंग प्रोग्रेस में इन्वेस्टमेंट सब चीज कर रखा है, तो आगे चल के ये कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर आपको रिटर्न दे सकती है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 87.94% की है, इन्हें 75:25 में लाना है, आपको पता ही है, तो हिस्सेदारी बेची जाएगी अगले 3 साल के अंदर अंदर, जब ये से आईपीओ आया तब से 3 साल के अंदर अंदर। एफआईज की बात करें एफआईज का 1.5% की होल्डिंग है, डीआईआई इसमें अभी तक पार्टिसिपेट किए नहीं है, पब्लिक के पास 10% की हिस्सेदारी है, बट जब ये बेचा जाएगा ना तब डीआईआई भी आएंगे एफआईज भी आएंगे, इस चीज को याद रखिएगा। और यहाँ पर 10% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है, और कुछ बड़े लोगों के पास हिस्सेदारी होगी। ओके, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास थोड़ी बहुत हिस्सेदारी नजर आएगी। चार्ट की बात करें, चार्ट में एक तो वीसीपी पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो हम यहाँ पर अपनी क्लास में डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे, बाकी एक बार मैंने डिस्कशन किया भी है। एज वेल एज चार्ट में बात करें, चार्ट में एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। शेयर यहाँ पर देखिए 226 से 800 पे गया था, लगभग लगभग 350-400% के रिटर्न दिए थे इसका शेयर ने, उसके बाद गिरा है, कंसोलिडेट हो रहा है, बट दोबारा जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे निफ्टी एफएमसीजी, तो आप यहाँ पर पाएंगे क्या कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे एफएमसीजी सेक्टर चल रहा है, और मोस्टली यहाँ पर शेयर एफएमसीजी के ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। जब ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं शेयर ने ऑलरेडी वी कैन अंडरस्टैंड कि अच्छे खासे रिटर्न दे चुका है, कंसोलिडेट कर रहा है, बट ये यहाँ पर एंड नहीं है, इस चीज को याद रखिए। अच्छी चीजें हमेशा अच्छे रिटर्न देती हुई नजर आती है, वॉल्यूम थोड़े से यहाँ पर कम हो गए, बट फिर भी 30 लाख 40 लाख के आसपास के वॉल्यूम है। जो चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है, शोल्डर हेड शोल्डर फिर शोल्डर, और इस पैटर्न को अगर हम बात करें रिवर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं, और यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और यहाँ पर अगर ऊपर हम देखें इसके हिसाब से टारगेट, तो यहाँ पर एक अच्छे खासे टारगेट आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक तो ऑल टाइम हाई पे लेके जा रहे हैं 880, दूसरा यहाँ पर बात करें तो 916 के आसपास लेके जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से नीचे से बात करते हैं कि कितने परसेंट के रिटर्न बनेंगे, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा लगभग लगभग 30% के रिटर्न आपके यहाँ पर शॉर्ट टर्म में यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस शेयर की तरफ ध्यान देना है हमें, और इस लेवल से जैसे ही निकलेगा तो एक रैली होती हुई नजर आएगी जो इसे ऊपर की तरफ लेके जाएगी, बट साथ साथ रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है। एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस, और नीचे सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर आप अगर स्टॉप लॉस के बेसिस पे काम करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस 683 का है, बट लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस का काम नहीं होता, उसे यहाँ पर भूल जाते हैं, तो यहाँ पर चीजें फिर भी नीचे आती है तो यहाँ पर एग्जिट लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। बाकी एंजॉय करिए, कंसोलिडेशन हो रहा है, चीजें कभी भी ऊपर निकलेगी और ऊपर निकल के अच्छा खासा पैसा देगी। तो ये चीज सीखने के लिए और भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए कि एग्जैक्ट एंट्री कहाँ करनी है क्लासेस में सिखाया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए इस नंबर पे, सब चीज टेक्निकल के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, कब एंट्री करनी है, क्या क्या चीजें यहाँ पर जब एंट्री करनी है तो देखना है, इंट्राडे में तुरंत यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आएंगे। फ्यूचर ऑप्शंस जो भी आप करना चाहते हैं, जब एक बार टेक्निकल सीख लेंगे यहाँ पर तो कुछ भी आपके लिए आसान है, फिर शायद बस केवल जब चार्ट पढ़ने हैं और कुछ नहीं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।